मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर टैली दिखाई दे रही है, क्या इसी तरीके के नतीजों को लेकर हम लोग या आप लोगों ने विश्लेषण किया, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उलट हो गया, सब कुछ उलट फेर हो गया? नहीं, ये सौरभ भाई, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए हम सभी लोगों को। ये नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट सिलेक्शन किया था वो बहुत अच्छा सिलेक्शन किया था। उनके जो उनका जो एक मुद्दा जो है वो बहुत प्रभावी रहा, जो वो आरक्षण का मुद्दा रहा। जी उसके अलावा उन्होंने बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया वो भी कहीं ना कहीं बहुत कारगर हुआ। वो जो मर्म को हिट करने वाली बात होती है वो उसने किया, वही आप रिजल्ट में देख रहे हैं। ये सब चीजें देखिए, जब हम लोगों ने चर्चाएं भी करी थी तब भी ये बोला था कि रोष कैंडिडेट के नाम पे है। बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिए हैं इस बार, जो रिपीट किए हैं, उनके 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 ऊपर रोष है जनता का। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे रोष नहीं है, जी लेकिन ये वही आपको तब्दील होता हुआ दिख रहा है सारी सीटों में। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, शॉकिंग तो है ही, क्योंकि इतना हम मतलब कोई भी नहीं सोच रहा था। पहले तो मीडिया ने जो कल का पूरी समीक्षा करी और जो एग्जिट पोल सामने आ रहे थे, तो उनसे बिल्कुल विपरीत स्थितियां भी सामने देखने को मिल रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है कि इतनी मेहनत, योगी जी और मोदी जी का जो ट्रैक्टर है, योगी मोदी ट्रैक्टर, वो काम नहीं आया। और कहीं ना कहीं पूरा भारत घूम रहे थे योगी जी, और उत्तर प्रदेश को कैसे गंवा बैठे, ये बहुत बड़ा विषय है। और साथ में रामलला का एक इतना बड़ा उद्देश्य जो पूर्ण हुआ, 500 वर्ष के बाद रामलला आए, और उस चीज को लेकर हिंदुत्व का एक मुखरित होकर सामने ना आना, जी और एक तरफा वोट जो पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा वोट है। वोटिंग रेट्स आप लोग देखे रहते, हम लोग हर चरण में साथ ही थे, और हमने देखा कि काफी अच्छी वोटिंग नहीं हो रही थी उस तरीके से, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरीके की स्थिति आएंगी कि मुझे एक तरफा वोट पड़ रहा है। जो साइलेंट वोटर्स हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को या किस मुद्दे को लेकर के बात क्या किया है मतदाताओं ने, या जी किस विचार से उन्होंने अपने मत दिए, तो वो मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत शॉकिंग चीज है। और दूसरी चीज है कि मोदी जी का ये जितना भी आप तो ये देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जितनी भी सीट्स आई हैं वो है। गठबंधन की तो जो है वो एक अलग चीज, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोदी जी का ही अपना चेहरा है। जैसे कि अभी विश्वदेव जी कह रहे थे कि सांसद के चेहरे पे बहुत कम वोट पड़े हैं, बहुत कम वोट पड़े हैं। मिल अगर किसी का वोट जा रहा था तो वो मोदी जी के नाम पर जा रहा था। जो भी वोट पड़े हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के ही उस पर पड़े हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ग्राउंड लेवल पर देखना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक हुई है और कहाँ से जो है शुरुआत अब करनी है उनको। चले ठीक है, जी विनम्र जी आप क्या सोचती हैं? देखिए, मेरी समझ से निश्चित तौर पर एक बात से दोनों पूर्व वक्ताओं से सहमत हूं कि प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं चूक, 10 साल रहे सांसदों का, फिर से 15वें साल के लिए उनको तिवारा टिकट देना, बहुत सारे सांसदों से लोगों की क्षेत्र में नाराजगी थी, लोग आते जाते नहीं थे, उसके बाद भी केंद्र द्वारा उनको टिकट दे दिया गया, एक कारण तो ये था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण मुझे समझ में आता है वो ओवर कॉन्फिडेंस था पार्टी का और कार्यकर्ताओं का कि मोदी जी का नाम और योगी जी का काम, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, बहुत ज्यादा ग्रास रूट पर वर्क करने की क्या आवश्यकता है। जी ये एक ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा घातक हुआ। लेकिन मैं एक दृष्टि से सौरभ जी एक बात जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को अगर देखिए तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा सीटें घटी है, आधी हो गई, आप कह सकते हैं कि आधी से थोड़ा सा कम सीटें ही घटी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 10 साल की 2004 से 2014 तक कांग्रेस की 10 साल की सत्ता के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? एक सीट पर थी और या दो सीट पर थी, क्षमा चाहिए, दो सीट पर थी। और 10 साल की सत्ता के बाद आज भारतीय जनता पार्टी फिर भी 35 सीट पर अपने दम पर खड़ी है। केंद्र पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखें
तो 240 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर खड़ी है 10 साल की सत्ता के बाद। वही कांग्रेस पार्टी 10 साल की सत्ता के बाद 50 की संख्या पर आ गई थी। तो ये ऐसा कोई नहीं कि बहुत बड़ी लहर बह गई और आरक्षण के नाम पर ओबीसी चला गया, एससी चला गया या कोई और जात चली गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत सीट का 50 सीट का लगभग घाटा पूरे देश, बिल्कुल बिनम जी मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी जानकारी आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ी जानकारी सहारनपुर से, कांग्रेस के इमरान मसूद जीते हैं। बड़ी जानकारी, नतीजे आ गए हैं, कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी, इकरा हसन ने बीजेपी के प्रदीप चौधरी को हराया है। बधाई हूं, मैं सपा के आदित्य यादव 2930 वोटों से आगे अभी चल रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद जीत गए हैं, ये बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद जीत गए हैं। तो इमरान मसूद के खेमे में खुशी की लहर है। कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन की भी जीत हुई है। तो लगातार जीत और हार के जो नतीजे आ रहे हैं हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, जिया मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक है। जिया जी, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं और इन नतीजों को देखकर आप क्या कहें, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अभी जो हमारी टैली है वो 37 पर NDA और इसके अलावा 41 सीट पर इंडिया गठबंधन जो है वो आगे है, दो अन्य जो है खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, एक छोटा सा विश्लेषण। जी देखिए, जातीय समीकरण जो किया सपा ने वो बहुत सोच समझ के किया और जो वहां के लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्हीं में से वो जननायक चुन करके लाए। कोई पैराशूट एंट्री नहीं करवाई, दूसरे स्टेट से किसी को नहीं लेकर के आए चुनाव लड़वाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी कह दीजिए कि एक रणनीति के तहत उन्होंने काम किया और यहाँ पे बीजेपी ने थोड़ा सा लैग किया कि उन्होंने स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं दी। स्थानीय पॉलिटिकल लोगों को पावर होना बहुत आवश्यक है, मुझे ऐसा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि चीफ बहुत सारी पावर हाईजैक कर लेता है अपने स्टेट से, तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ता है। पावर जब तक सेंटर से स्टेट को नहीं मिलेगी, भले ही डबल इंजन की सरकार की हम बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेट की पावर स्टेट के हाथ में रहनी चाहिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जिसके अंदर टिकट का जो वितरण है वो स्थानीय लोगों को नजरअंदाज करते हुए हुआ और स्थानीय जो नेता थे उनके समझ से हुआ या नहीं हुआ, ये विचार करने का विषय है। तो मुझे लगता है कि टिकट वितरण में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमजोरी रही है और कुछ पुराने चेहरे जो रिपीट किए गए। देखिए, इंडिया अलायंस ने बहुत सारे नए चेहरों को जगह दी इस बार के इलेक्शन में और साथ में यूपी जैसे स्टेट की बात करें, यूपी में इस प्रकार का प्रदर्शन राष्ट्र में राजनीतिक पटल पे बहुत घातक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नए चेहरों को इनको इस बार उतारना चाहिए था, कुछ अच्छे सशक्त चेहरे लाने चाहिए थे जनता से चुन करके, कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसेस वाले चेहरे लाने चाहिए थे जिनको की जनता देखना सुनना पसंद करती है, और कुछ पुराने चेहरे जो निष्क्रिय हो गए हैं सिर्फ लगातार जीत के कारण अगर उनको दिया सके। तो आप देखिए कि अयोध्या में दो बार जीते हुए प्रत्याशी इस बार कैसे धाराशाही हुए हैं। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन की राजनीति हम सोच रहे थे, अब तक परिवर्तन की राजनीति चल रही है, परिवर्तन का दौर चल रहा है, लेकिन इस बार इस इलेक्शन में थोड़े कम परिवर्तन करने की वजह से मुझे लगता है ये सारे नतीजे आए। ठीक है जी, विश्वदेव जी एक सवाल मेरा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग न्यूज रूम में थे, न्यूज रूम में एक कौतूहल का विषय ये बना हुआ था कि नीतीश कुमार और TDP मिलकर क्या खेला बिगाड़ सकते हैं क्या, नीतीश कुमार नीतीश बाबू वहां चल गए, एक पोस्टर वायरल हो रहा था, इस पोस्टर की हम सत्यता तो नहीं प्रमाणित करते लेकिन वहां लिखा था कि ये सबके हैं या मैं सबका हूं। नीतीश कुमार बिहार से चल चुके हैं और इनको पलटू चाचा कहा जाता है और खबर ये भी सामने आई कि उप प्रधानमंत्री का इनको कहा गया कि आपको ऑफर किया गया है, तो हम मान के चले कुछ और बड़ा खेला तो नहीं अभी देखने को मिल सकता है, एक विश्लेषण इस पर कीजिए। जी सौरभ भाई, ये खबरें हैं सुबह से चल रही हैं, लेकिन नीतीश जी कल प्रधानमंत्री से मिले भी थे और मिलके वापस भी लौटे हैं, कल उनकी अपने वरिष्ठ नेताओं से बात भी हुई।
उनके उनके सभी के बयान भी सामने आए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश जी सीएम रहेंगे बिहार में और वो बिहार में ही देखेंगे। लेकिन एक बात इतर भी है कि हाँ उनके लिए कहा तो जाता है, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि वो अपने अपनी छवि को और धूमिल करेंगे आरजेडी और उनके साथ जाके, क्योंकि उनको जो वोट मिला है बिहार में वो आरजेडी के खिलाफ ही मिला है। इस वजह से मुझे उम्मीद कम लगती है वहां पर। जहां तक टीडीपी की बात कर रहे हैं तो 10 साल बाद आए हैं सत्ता में, और पहले कई सालों से वर्षों से वो बीजेपी के साथ ही रहे हैं। उनका जो फील गुड फैक्टर जिसे आप कहते हैं वो बीजेपी के साथ ही रहा है, तो वो अपनी बार्गेनिंग पावर उन इन दोनों नेताओं की बढ़ गई है, ये बिल्कुल सही बात है। और एक नजरिया और देखिए, बिहार में रामविलास पासवान जी के सुपुत्र जो है चिराग पासवान जी, वो भी अपनी सीटें सारी जीते हैं। उनका भी यही बयान आया है कि मैं जीता हूं लेकिन मैं बार्गेन नहीं करूंगा, ये कहने की बात है। लेकिन इन सभी लोगों को अगर एनडीए की सरकार बन जाती है पुनः सब, आज शाम को मेरे ख्याल से मीटिंग भी है एनडीए के सभी घटक दलों की, तो एक उम्मीद वहां से होती है। लेकिन एक एक चीज सौरभ भाई, यहाँ एक चीज और बोल दूं मैं, बीजेपी चलिए एक बड़ी जानकारी आ रही है इसी बीच, एक बड़ी जानकारी, गाजियाबाद में बीजेपी के अतुल गर्ग जीते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुल्तानपुर से मेनका गांधी की हार हुई है। ये चौंकाने वाली खबर एक है कि गाजियाबाद से एक तो पहले बीजेपी के अतुल गर्ग जीते हैं, वहीं मेनका गांधी की हार की खबर सामने आ रही है। चलिए हमारे साथ पैनल जुड़ा है खास, राव साहब ये देखिए, एक तरफ बीजेपी के लिए अच्छी खबर, दूसरी तरफ मेनका गांधी हार रही हैं, ये थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, इसको थोड़ा विश्लेषण करें। नहीं देखिए, मेनका गांधी का हारना कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं वहां ग्राउंड पे गया भी था तो मैंने देखा भी था, तो उनके उनके नाम पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी वहां पर, डेवलपमेंट के बहुत से कार्य नहीं हुए थे, उनके मंत्री रहते हुए भी कई कार्य नहीं हुए थे। उनके साहबजादे वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया था क्योंकि उन्होंने भाजपा के खिलाफ बोला था। संजय निषादों के वहां बहुत वोट हैं, बीजेपी के जो सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उसने वहां, संजय निषाद ने वहां का कैंपेन भी किया था, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो कुछ कारगर कैंपेन हो गया। मैं एक बात इसमें यहाँ जोड़ना ये चाहूंगा, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश आया है अयोध्या जो बैक में चल रहे हैं अयोध्या से, और दूसरा बीजेपी का जो बाकी तो मुद्दे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे मुद्दे उठाए, लेकिन बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स भी इस जो सीटों का जो कम हुई है इसका नजरिया है, केंद्र और राज्य में जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा है, ये भी देखना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, मैं चाहता हूं कि आप विश्लेषण करें अमेठी और रायबरेली की सीट। अमेठी स्मृति ईरानी लेकर जिस तरीके से था कि हवा बन रहा था कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हार गई। रायबरेली में राहुल गांधी को लेकर हुआ कि नहीं ये हार जाएंगे, दोनों जगह कांग्रेस निकाल लेती, परंपरागत सीट जो है कांग्रेस ने बरकरार रखा है इस बार। जी बिल्कुल, रायबरेली की सीट तो देखिए परंपरागत है, वहां एक इमोशनल कार्ड खेला गया कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से, और जो प्रियंका गांधी की जो एंट्री हुई है ना, जो प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है कांग्रेस में एक प्रवक्ता के तौर पर मैं उन्हें देख पा रही थी, बहुत अच्छा बोली और बहुत इमोशनल कनेक्ट किया उन्होंने लोगों के साथ, फिर कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस में आए और कांग्रेस को ये लगा कि अब लोग हमारी बात सुनने लगे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को देखिए अचानक से ये सीट, पहले पता ही नहीं था कि सीट पे कौन आ रहा है, बहुत सारे आगाज लगाए जा रहे थे, लेकिन लास्ट में एकदम जैसे कोई कहता है ना, इनिंग हुई और सिक्सर मार करके राहुल गांधी जी का नाम प्रमोट किया गया और राहुल गांधी जी वहां पर आए और उन्होंने जो है आज लीड कर रहे हैं अमेठी को, क्योंकि वहां पर उन्होंने सोनिया गांधी जी ने उस सीट को, आपने देखा होगा उस भाषण में सोनिया गांधी जी ने पूरा वो भाषण उसी परिवारवाद पे लेकर और उस स्थितियों को लेकर रखा, तो वो देखिए ये दोनों सीटें ना परिवारवाद से कनेक्टेड हैं। चलिए एक बड़ी जानकारी आ रही है, बिग ब्रेकिंग इस वक्त ही आपको बता दें कि बड़ी जानकारी बाराबंकी से कांग्रेस के तनुज पुनिया की जीत हुई है, तो अम्बेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा की जीत हुई है। बड़ी जानकारी, लालजी वर्मा ने बीजेपी के रितेश पांडे को हराया है।
रितेश पांडे को हराया है, बड़ी जानकारी। विनम जी देखिए, कांग्रेस के खेमे से लगातार खबर आ रही है, जीत जीत की कई सारी बातें हम बता रहे हैं। क्या अब ये मान के चले और आंकड़े जो हैं वो बढ़ेंगे, नतीजे जो तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, आगे क्या आप देखते हैं अभी? अब मेरे ख्याल से आंकड़े स्टेबल रहेंगे, एक आध सीट ऊपर नीचे का अब इससे ज्यादा की गुंजाइश कहीं बची नहीं है, तो मेरे ख्याल से आंकड़े स्टेबल ही रहेंगे। और अभी हम लोग जीत हार के कारणों की जो विवेचन कर रहे थे, जो उसका मनन कर रहे थे, उसमें मुझे एक कारण और जो छूट गया उस पर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। इधर देखिए आप, विगत 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने खूब ढेर सारी ज्वाइनिंग कराई और वो ज्वाइनिंग केंद्र के निर्देश पर या सीधे ऊपर से, जैसा कि अभी मंजरी जी कह रहे थे पैराशूट एंट्री, और उस तरह की एंट्री कराई गई जिससे लोकल लीडरशिप में या स्थानीय कार्यकर्ताओं तक में जिनका विरोध था, जिसका जिससे सीधा सामना था। जैसे आप देखिए बलिया में नारद राय की एक सार्वजनिक छवि, में टीवी पर नहीं कह सकता कि कैसी है महिलाओं के प्रति, समाज में वो कैसी छवि है, उसका विरोध, या ऐसे तमाम ऐसे आपको उदाहरण आपको दिखाई दे जाएंगे। दूसरी बात, टिकट में पैराशूट एंट्री, जैसे जौनपुर, जैसे गाजीपुर, इस तरह के निर्णय भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गहरा आघात पहुंचा और जिसकी कल्पना उनको नहीं थी कि लोगों का ये, भारतीय जनता पार्टी का ये आकलन था कि हमको तो वोट मोदी जी के नाम पर मिलना है, हमको तो सांसद के चेहरे पर मिलना नहीं है। लेकिन जनता ने बताया इस बार कि नहीं, मोदी जी तो हमारे लिए प्रिय हैं, लेकिन साथ में हमको जो मोदी जी का जो प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहा है वो भी एक ठीक ठाक आदमी होना चाहिए, इसका चयन करके आपको ठीक आदमी का भेजना पड़ेगा। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर आया इस बार। इस भ्रम को भारतीय जनता पार्टी के करेक्ट किया कि केवल इससे काम नहीं चलेगा, आपको लोकल लीडरशिप को भी साथ में लेकर, जैसे विश्वदेव जी कह रहे थे अभी, जो कॉन्फ्लिक्ट था उस कॉन्फ्लिक्ट को भी थोड़ा सा हवा दी गई, विपक्ष द्वारा भी खूब हवा दी गई उस कॉन्फ्लिक्ट को, और वो कॉन्फ्लिक्ट इस चलिए एक और बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूपी की 7 सीटों पर कांटे की टक्कर, अमरोहा सलेमपुर में कड़ी टक्कर, बड़ी जानकारी मेरठ धौरहरा फूलपुर में कड़ी टक्कर, 7 सीटों पे कांटे की टक्कर, फरुखाबाद हमीरपुर में भी कड़ी टक्कर नजर आ रही है। तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है यूपी की 7 सीटों पर कांटे की टक्कर, बड़ी जानकारी। जिया मंजरी जी हमारे साथ है। जिया जी, मैं एक सवाल, और कई बार हम लोग चर्चा में जुड़े आज, लेकिन जितने हमारे विश्लेषक है ना, विश्लेषण की उनकी थोड़ी सी परिभाषा बदली हुई है, और इससे पहले आप लोग जब विश्लेषण करते थे तो परिदृश्य कुछ और था, लेकिन आज का विश्लेषण दिल पे कलेजे पत्थर रख के लोग बोल रहे हैं, तो उस समय आप ये सब बातें आप लोग नहीं बोलते थे। अगर आप विश्लेषण करते शायद आलाकमान तक ये बातें जाती, कई लोगों ने कहा कि कैंडिडेट अच्छे नहीं है, कई लोग मतलब परिभाषाएं बदली। आज इधर आंकड़े हमारे टैली बदल रहे हैं या विश्लेषण की परिपाटी बदल गई थोड़ा? जिया जी, मैं आऊंगा, प्रियंका जी आऊंगा, आपको भी मौका दूंगा। जिया जी जी, देखिए ऐसा है कि परिभाषा और परिपाटी, देखिए दृश्य प्रदृश्य को देख करके आप हमसे विश्लेषण करने के लिए बोल रहे हैं, तो जो परिदृश्य हमारे सामने उभर के आया है उसके ऊपर और उसकी जो परिस्थितियां रही और जिन परिस्थितियों से जो समीकरण बने उन विषयों को लेकर के ही हम सभी बात कर रहे हैं। उसमें जो चीजें कमजोर रही कहीं ना कहीं उसके विषय में बताना और जागरूक करना बहुत आवश्यक है, और जनता को भी, देखिए जनता भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वोट देने भी इतने ज्यादा लोग नहीं जा पाए, इतनी गर्मी में वोट दिए गए, तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीजें जो बोली थी वो होनी चाहिए, और वो ऐसे प्लेजेंट समय में होनी चाहिए कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने जा सके। बढ़ती हुई स्थिति में जीवन अपना बचाएगा व्यक्ति वो वोट देने जाएगा, ऐसी भी स्थितियां हुई हैं। तो मैं ये मानना चाहूंगी कि देखिए जो प्रॉब्लम्स हुई, जो बड़े बड़े स्तंभ जो पार्टी के इधर उधर किए गए, बड़े बड़े चेहरे बाहर से लाए गए, कई बार ऐसे आरोप लगे कि कांग्रेस में बीजेपी हो गई है, मूल्य जो थे बीजेपी के, अगर हम बसपा की बात करें, बसपा जो अपने मूल्यों को गिली थी तो बसपा की स्थिति कहती है, वैसे ही कहीं ना कहीं बीजेपी जब बाहर के बहुत सारे लोगों को अगर अपने यहाँ पे इनवाइट कर रही है, अपने यहाँ पे ला रही है और अपने ही लोगों को अग्रणी नहीं रख रही है, तो जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उसका मनोबल खिलेगा। चलिए एक और बड़ी जानकारी आ रही है।